तो गाइस ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस जा रहा है और सारे जितने भी बंदे बचे भाई सारे के सारे प्रोन है और कोई भी अपनी जगह रिवील नहीं करना चाहता और जो भी अपनी जगह से उठा भाई उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इतने में भाई सामने से ग्रेनेड आ रहे, तो गाइस मुझे यहाँ पर दिक्कत थी कि कोई बंदा अगर यहाँ पे ESP वाला हुआ तो वो हमको सपोर्ट कर लेगा और अगर लेजिट बंदे हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस तरफ से भाई जो ग्रेनेड गया इस तरफ से कोई बंदा आने वाला है। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबराया होता मैं, फायर भी ढंग से कर नहीं पाया। अब वो बंदा आ गया भाई कॉर में और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत सीन होने वाला गाइस देखना। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो गाइस ये वाला गेम प्ले का सोलो कॉन्कर गेम प्ले और आप मेरा रैंक देख सकते हैं, एशिया में लीडर बोर्ड में नंबर 1 है और फिलहाल मैं उतर गया हूँ ये वाला बाइक पे और ये बाइक लेकर हम निकल लेते भाई बहुत सेफ और रास्ते में एक यूजर से चेंज करके हम आ जाते हैं ये वाला कंपाउंड पे। अब यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं लगी थी तो मैं समझ गया ये वाला कंपाउंड सेफ है और मैं उधर जाता हूँ और बेफिक्र लूट करने लग जाता हूँ। अब अंदर घुसते ही हमको मिल गया भाई बैग और स्कर मिल गई, ये अच्छी बात है। अब हेल्थ किट, स्मोक और पिस्टल, मतलब पिस्टल ही चाहिए थी हमको। तो गाइस यहाँ से कट करके मैं मतलब SKS ले जाता हूँ भाई सप्रेसर के साथ और इतने में राइट साइड से ओपन से भाई एक फुटस्टेप आता है। अब यहाँ पर मैं डरा हुआ था कहीं असली बंदा ना हो भाई स्कैम करने की सोच रहा हो और यहाँ पता पड़ता है कि भाई ये वाकई में बोट है। तो कभी कभी ऐसे असली बंदे होते हैं कि वो बोट का प्रिटेंड करके मतलब हमको मार देते हैं, लेकिन मैं बहुत ही होशियार हूँ भाई, बोट को भी कवर में रख के मारता हूँ मैं, क्योंकि जो हमारा रैंक चल रहा है भाई उसकी सिचुएशन की डिमांड ही कुछ ऐसी है। तो बस यहाँ पर मैं बोट को लूट लेता हूँ और बोट के पास से हमको मिल जाता है AKM और 3X, तो हमको पता नहीं कहाँ मिला, मेरे को ध्यान नहीं है। वैसे तो हमारी लूट हो गई भाई, लेवल 2 के हेलमेट वेस्ट मिल गए और लेवल 2 का बैग काफ़ी है और ऑटोगन दोनों है और चाहिए क्या हमको, M4 भी मिल गया भाई लॉन्ग रेंज के लिए। अब यूँ तो मैं चाहता था यहाँ पर गेम कर सकता लेकिन, और अगर आप चाहते हो कि भाई PUBG के पॉइंट सिस्टम को आप बेवकूफ़ बनाओ तो एक जगह गेम बिल्कुल भी मत करना। और फिलहाल मैं आ जाता हूँ ये वाला कंपाउंड पर और यहाँ पर लूट मिलती है या नहीं मिलती है देखते। अब अगर हमको यहाँ पर लेवल 3 के गेयर मिल जाते तो ये बेहतर रहता ना हमारे लिए। तो बस यहाँ पे कुछ खास लूट मिलती है नहीं, मिलता है तो भाई ये एक रेड डॉट, मतलब वहाँ से यहाँ हम एक रेड डॉट लेने आए थे। अब रेड डॉट भी कोई बुरी बात नहीं है भाई कार स्प्रे में, और इसमें तो रेड डॉट बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट की फैक्टर भाई। तो बस यहाँ से लूट करके मैं निकल लेता हूँ अगले जोन के लिए और उसके बाद सीधा कट करके हम आ जाते हैं फाइनल जोन में। तो बस ये तीसरा जोन है और तीसरे जोन में हमेशा मैं होल्ड कर देता हूँ भाई जोन में ताकि हमको किल मिलते रहे। अब यहाँ पे मैं सही तरीके से स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था अगर कोई बंदा स्पॉट होता है भाई ओपन में या फिर ऐसा रोटेशन मारता हुआ जिसमें मैं फायर कर सकूँ, मतलब फालतू ही बोर हो रहा था मैं। अभी इतनी देर में एक बग गया थी भाई सामने से देखना, AKM से बच गया, अब तुरंत स्विच किया और M4 से ले लिया इसको, मतलब हेडशॉट पड़ गया इसको। और ये भाई हमारे ही लिस्ट में है, मतलब हमारा ही फ्रेंड है। जब तक हमने इस बंदे को किल किया अगला जोन हम पे ही बन गया और मतलब दो फायदे हो गए हमारे को, किल भी मिल गया और जोन का एडवांटेज भी मिल गया साथ साथ। अब हमको बस अपना ये सेफ डिफेंड करना है और अगर मौका मिलता है हमको कोई बंदे ओपन में स्पॉट होते हैं तो उनको भी किल करना है। सिर्फ कैम्प करने से हमको ज़्यादा प्लस नहीं मिलेगा। और इतनी देर में सामने एक यूजर से एक बंदा उतरा और वो बंदा सही से स्पॉट हुआ नहीं तो फायर भी कनेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ से देखे सामने रिच की तरफ एक BRDM में और बग्गी घूमे जा रही है। अब यहाँ मुझे लगता है भाई फायर होगा ही होगा और फाइट होगा और इतनी देर में फाइट शुरू भी हो जाती है। अब मैं कोशिश कर रहा था भाई ADS लगा के कोई बंदा स्पॉट हो मुझे, लेकिन मुझे भाई कोई स्पॉट नहीं हो रहा था। अब मैं निकल गया तो भाई जोन के लिए क्योंकि जोन बन गया अगला। और यहाँ पर जो स्कैम हो रहा है भाई देखना गाइस, मतलब ये DP वाला बंदा मेरा ही ताक में बैठा था और देखो गाइस क्या ही उड़ा दिया मतलब इसको। एक बार को मेरा स्कोप आउट हो गया और जैसे तैसे मैंने वापस इन करके भाई को कनेक्ट कर दिया बुलेट और मैं ये सोच ही रहा था कि भाई आउट ऑफ एमओ होने वाला हूँ और तुरंत मैंने M4 भी स्विच करा। जब तक मैं स्विच करता भाई को पता पड़ गया कि ये किल हो गया। अब मैं तुरंत हील करके निकल लेता हूँ भी अपने अगले जोन में होल्ड करने के लिए और यहाँ पे आके देखता हूँ कि ये सेक अगर जोन में हो तो उनमें, लेकिन ये जोन में नहीं है और आगे एक सेक है वहाँ पे जाके देखता हूँ तो वहाँ पे ट्रिपल
क्या बोले, ये तीन टायर वाली गाड़ी है, अब इसको छोड़ दिया भाई। तो गाइस इस बंदे को मैं रहने देता हूँ, और जो पिछली बार मैंने देखा था मतलब इससे पीछे जो सेक है उसको होल्ड करते हैं अपन। और गाइस जब मैं यहाँ पे आके गाड़ी रोकता हूँ तब पता पड़ता है कि यहाँ पे जोन है, और मतलब गेट खोलने से पहले गेट के नीचे से ही लूटने शुरू कर दिया इसने, और अंदर घुस कर तुरंत अपना गेट बंद कर देते हैं। तो गाइस यहाँ से हम अगले एक जोन के लिए सेफ है, मतलब टॉप 10 में एंट्री हो ही जाएगी क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा लड़ा रहे हैं और एक दो बंदे तो मर ही जाएंगे यार। अब मैं इधर ऊपर बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपहिल पे, और इधर राइट साइड से मतलब दबे पांव बंदा आ रहा है कोई, मतलब उसको नहीं पता कि मैं उसको स्पॉट कर सकता हूँ। मतलब मेरे ईयर जो साउंड है भाई बिल्कुल तगड़ा है, और वो मतलब मेरे को सरप्राइज देने की सोच रहा है बिल्कुल ग्रेनेड करके। उस बंदे ने भाई ग्रेनेड कर दिया है, अब मैं भी ग्रेनेड करता हूँ और जोन आ गया भाई एक। तो गाइस देखना इस बंदे के साथ क्या होता है। तो गाइस इस बंदे को मैं क्या ही मारता हूँ, मतलब जब तक ये जोन के बाहर नहीं आ गया तब तक इसको आने देता हूँ, और मतलब ब्लू जोन का डैमेज लेने देता हूँ भाई, ताकि इसकी हेल्थ बहुत कम हो जाए और हम बिल्कुल कम गोले कनेक्ट करके इसको ठिकाने लगा दें। अब फिलहाल देखें तो भाई 8 बंदे बचे हुए, और जो जोन है भाई अपहिल की तरफ है। अब यहाँ पे मैं क्या सोचता हूँ पता नहीं भाई, जोन स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा डैमेज देने लगता है, तो मैं निकले तो भाई फटाफट, और मैंने बूस्ट भी नहीं कर रखा है। अब आगे जाके क्या होने वाला गाइस मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, देखते हैं गाइस क्या होता है। चारों तरफ भी फायर ही चल रही है M4। अब यहाँ पे आके अपना गाड़ी रोक देता हूँ और हिल करने की सोचता हूँ कि सामने से एक ट्रिपल वाला ये बंदा आ गया। अब यहाँ पे बिल्कुल भी सही ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ मैं फायर, क्योंकि मैं बिल्कुल सो के खेल रहा था। तो चलो कोई नहीं, एक बार तो हील कर लेते, और यहाँ हमारा हेल्थ फुल हो जाता है। अब वो जो बंदा 3 पहियो वाला गाड़ी चला रहा था वो सामने के एरिया में ये और ग्रेनेड कर रहा अभी, अब हो ना हो उस पर जोन तो है नहीं और इधर से ही आना है उसको। तो गाइस क्या लगता है, वो बंदा जोन में आ पाएगा या फिर हमको किल कर पाएगा? अब यहाँ पर वो बंदा जोन में आता है, अब मैं बिल्कुल प्रोन था तो सही ढंग से फायर कनेक्ट कर नहीं पाया, और जैसे जैसे वो बंदा भी कवर में आ गया स्पीड के। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला भाई गलत सीन। उस बंदे के साथ गलत सीन भाई के साथ होने वाला था, और ये बंदा मारा जाता है। अब बचा बंदा था एक और वो था ऊपर की साइड। अब एक बार मैं फायर देता हूँ क्योंकि मुझे स्पॉट हुआ था हल्का हल्का। तो गाइस यहाँ पे मैं इस पेड़ के कवर में आता हूँ और स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो बंदा जंप करता हुआ मुझे दिख जाता है, तो मैं समझ गया भाई ये हमारा बिग फैन है। ओह माय गॉड! और आमतौर पे भाई 10 मैचों में से 7 मैचों में मुझे सारे मतलब बंदे मिल जाते हैं और टीम अप करते हैं। अब क्या करें, मेरा माइक तो बिल्कुल बंद है, मतलब आवाज़ आता है नहीं, और जियो का जो मेरा नेटवर्क है भाई क्या करें, इसमें कुछ सही ढंग से कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इलाज लगाता हूँ इसका। अब फिलहाल कुछ ये बंदा कुछ कहना चाहता होगा या फिर जो भी बात करना चाहता हो नहीं पा रही थी, तो एक बार मैं कहता हूँ इसको भाई पेन फाइट करते, लेकिन इसको पेन भी नहीं मिला। तो इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि भाई मुक्का फाइट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं फास्ट कर देता हूँ क्योंकि मतलब है नहीं ये सब देखने से, बस फाइनल एंडिंग देखो। अब इस फाइट में इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ गया, और इसका जो वेस्ट था वो भी गायब हो गया, मतलब ऑलमोस्ट कम ही HP बचा होगा ये। अब ये रुक जाता है और पता नहीं कुछ कहने की सोच रहा था, तो मैं समझ गया कि ये कुछ कह रहा होगा और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं भी रुक जाता हूँ। शायद से उस बंदे के पास हील नहीं हो, या फिर इसलिए मैं इसको हील देता हूँ भाई, हील कर ले फिर से खेल लेते, क्योंकि भाई उसको मारने से मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। कहीं वो बंदा कुछ कह रहा हो भाई मेरा कॉन्करर में ये पॉइंट बाकी है, इतना पॉइंट बाकी है, मुझे चिकन दे दो, या फिर कुछ भी बोल सकता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो बंदा चिकन ले भी लेता है तो मेरा कोई इसमें नुकसान है नहीं। और गाइस यहाँ पे हम किल हो जाते हैं, और मैं चाहता तो भाई हील करने के लिए पहले ही रुक सकता था और इस बंदे को पहली पारी में मार भी सकता था, लेकिन ये बंदे को भाई चाहिए था चिकन, और हमारे पास तो भाई पहले से ही बहुत सारा पॉइंट है और नंबर 1 पे हैं भाई एशिया पे, तो मतलब और क्या चाहिए, और कितना मैच जीतेंगे हम। मैच जीतने से ज़्यादा मैं लोगों के दिल जीतने में प्रेफर करता हूँ। तो
तो भाई लोग, ये वाला गेम प्ले अगर तुम लोग को पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। और तुम लोग जो भी नए हो मेरे चैनल पे, भाई एक मैजिक ट्रिक बताता हूँ तुमको। ये जो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको तुम एक बार दबाओ भाई, काले में बदल जाएगा ये। अबे साले, कुल मिला के यार सब्सक्राइब कर दो, तुम इतना ही कहना चाहते हैं। तो यार मिलते हैं अब अगले वीडियो में, यानी कि कल। तो चलो यार, बाय। Smoke you, I could roast you, and then you'd love it. You text me, I love you, and then I'd fucking ghost you.